तो दोस्तों लास्ट वीडियो आपने देख ही ली होगी जो कि शामली से कैराना तक के लिए थी, और ये वीडियो है दोस्तों कैराना से पानीपत के लिए। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो दोस्तों अभी जस्ट मैं कैराना से बाहर निकला हूँ, आप देख सकते हैं पीछे कैराना है दोस्तों, और मैं शामली से आ रहा हूँ। और ये देखिए दोस्तों कैराना का बाईपास, ये देख सकते हैं राइट साइड में दोस्तों, ये कैराना का बाईपास फ्लाईओवर से बन के स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। और एक वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी है दोस्तों यहाँ से जाके कि ये फ्लाईओवर पे कैसा बन रहा है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे है वो वीडियो अभी भी। तो देखिए ये दोस्तों पूरा कैराना इसने बाईपास कर दिया है और फ्लाईओवर से जा रहा है दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात। कैराना में बाईपास तो पहले से भी था दोस्तों, लेकिन अब ये बन रहा है फ्लाईओवर के ऊपर से, तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। क्योंकि इधर कोई गांव भी पड़ता है और एक चौक टाइप का आता है, तो वहाँ पे ना चौराहे टाइप का है, वहाँ पे जाम लगता था दोस्तों बाईपास होने के बाद भी। तो कैराना के जाम से तो मुक्ति मिल जाती थी, लेकिन वहाँ पे स्पीड फिर डाउन करनी पड़ती थी। तो अब ये फ्लाईओवर से जाएगा दोस्तों तो बहुत ही अच्छा रहेगा, स्पीड मेंटेन रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नीचे वाले वाहन तो नीचे ही रहेंगे जो लोकल वाले हैं जिनको कैराना में एंट्री करनी है या फिर कहीं आसपास जाना है, और बाकी जिनको कैराना में एंट्री नहीं करनी है, कैराना में जाना नहीं है, तो वो सीधे ऊपर से जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आएगा जो दोस्तों ये कैराना का बाईपास, यहाँ पे निकलेगा, और वहाँ से जैसे ही हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो देख सकते हैं आप दोस्तों दोनों तरफ मिट्टी डाल के भराव का काम चल रहा है, और पूरा समतल कर भी दिया है, लेकिन ये बारिश की वजह से थोड़ा सा काम रुका हुआ है, डिले चल रहा है बारिश की वजह से, नहीं तो बहुत जल्दी कम्प्लीट होने वाला था दोस्तों ये काम। और इस बार तो आपको पता ही है बारिश बहुत भयंकर हो रही है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर भी फ्लाईओवर का काम चल रहा है, देख सकते हैं आप, ये गाँव पड़ता है आई थिंक जहाँ तक मैं सही हूँ हैदरपुर, शायद ऐसा ही कुछ गाँव का नाम है। वैसे दोस्तों आप में से सभी लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी जिनको नहीं मालूम है उनकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, ये दोस्तों ये है पानीपत खटीमा नेशनल हाईवे 709 AD, और दोस्तों ये पानीपत से शामली और मुजफ्फरनगर होते हुए, बिजनौर होते हुए जाता है खटीमा तक दोस्तों, यानी कि हरियाणा से उत्तराखंड बॉर्डर तक जाता है दोस्तों। उत्तराखंड में खटीमा पड़ता है यूपी होते हुए, तो ये बहुत अच्छी बात है हरियाणा वालों के लिए। जितने भी यहाँ से वाहन है वो डायरेक्ट हरिद्वार ऋषिकेश देहरादून जा सकते हैं। और देखिए सामने दोस्तों ये आ गया है यमुना नदी का ब्रिज, देख सकते हैं आप यमुना रिवर का ब्रिज। और दोस्तों यहाँ पे भी फोर लेन ब्रिज का काम चल रहा है, बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है, यमुना पर फोर लेन ब्रिज बन रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप, उसकी वजह से थोड़ा सा जाम भी रहता है यहाँ पर शाम के टाइम। ये देखिए दोस्तों अभी सब लोग आना जाना हो रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा जाम लग जाता है, क्योंकि आपने देखा ही है पहले से ये ब्रिज है तो बहुत ही छोटा ब्रिज है दोस्तों, चौड़ाई में बहुत कम है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे ना दिक्कत रहती है निकलने के लिए। और ये है यहाँ पे पुलिस चेक पोस्ट दोस्तों, यहाँ पे हर गाड़ी को रोका जाता है उधर से आती हुई को, कोई दारू वारू तो नहीं लेके आ रहा है उसके लिए, ये पुलिस वाले भाई साहब है। और ये देखिए दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त, ये राइट साइड में काम चल रहा है दोस्तों, आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि मैं कैमरा घुमा नहीं पाऊंगा अभी। लास्ट जो वीडियो आई थी दोस्तों उसमें मैंने पूरा दिखाया था यमुना नदी पे जितना भी काम चल रहा है ब्रिज बनाने का, फोर लाइन ब्रिज बन रहा है दोस्तों, उसका मैंने पूरा वर्क दिखाया था कैसे काम चल रहा है, वो वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। बहुत ही जोरों शोरों से काम चल रहा है दोस्तों यहाँ पे, और आप देख सकते हैं वहाँ पे सामने ना क्रेन वगैरह जेसीबी वगैरह सब खड़ी हुई है, और बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है दोस्तों। तो देखो दोस्तों पुराना पुल तो इस तरीके का है, जर्जर हो चुका है ये भी, तो देख सकते हैं आप छोटा सा पुल है, मतलब चौड़ाई में बहुत कम है, उसकी वजह से यहाँ पे जाम वगैरह भी लगता रहता है, शाम के टाइम तो बहुत ज़्यादा जाम लगता है क्योंकि ट्रक वगैरह भी निकलने स्टार्ट हो जाते हैं और वाहन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इस रोड पे। तो दोस्तों बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है इस पर, बहुत ही तेज़ी से वर्क हो रहा है, और एक साल के अंदर अंदर ये बन के कम्प्लीट हो जाएगा, और जैसे ये हाईवे बन के कम्प्लीट हो जाएगा तो गजब हो जाएगा, मस्त हो जाएगा, बहुत ही हरियाणा जाना तो बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि शामली में भी बाईपास बन रहा है और कैराना में बाईपास बन रहा है, तो और फोर लेन हाईवे हो जाएगा दोस्तों, तो उससे जाहिर सी बात है जाम तो लगेगा नहीं, और टाइम बहुत कम लगेगा हरियाणा जाने के लिए, या फिर हरियाणा से जिन लोगों को यूपी में आना है, शामली मुजफ्फरनगर खटीमा जिनको भी हरिद्वार ऋषिकेश जाना है, बहुत ही आसान हो जाएगा उनके लिए तो। और देखिए जाम ना इस तरीके से लगता है, बहुत ही ज़्यादा जाम लगता है, और ये पुलिस वाले भाई साहब साइड में आके मुझे हाथ दे रहे हैं, एक मिनट में रोक के बात कर लेता हूँ इनसे, क्या बोलना चाह रहे हैं मुझे रोक रहे हैं। तो भाई साहब हुआ ये कि ब्रिज पे उन्होंने मुझे वीडियो बनाते हुए देख लिया, जैसा कि मैं बता रहा था वहाँ पे पुलिस चेक पोस्ट है, और उन्होंने वो वीडियो का कट भी कर दिया है क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो उन्होंने चेक किया और उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई वीडियो क्यों बना रहे हैं, मैंने कहा सर आपको क्या प्रॉब्लम है वीडियो बना रहा हूँ तो, अगर तो लेकिन मैं कोई गलत वीडियो नहीं बना रहा हूँ, और मैं यूट्यूब पर मेरा चैनल है, मैंने उनको सब कुछ बताया कि यूट्यूब पर मेरा चैनल है और मैं इस तरीके से हाईवे की इन सब की अपडेट देता रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर,
तो उन्होंने देखा चैनल मेरा, तो उन्होंने देखा कि वीडियो कहाँ से बनानी स्टार्ट की है, तो उन्होंने देखा कि हाँ भाई ये पहले से ही वीडियो बनाते हुए आ रहा है। तो फिर उन्होंने, वो सिपाही थे शायद कोई, और उन्होंने ऊपर फिर फ़ोन किया अपने जो उनके सर होंगे, उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे ये वीडियो बनाता है और चैनल इनका यूट्यूब में चैनल है तो इस वहाँ पर अपलोड करता है वीडियो, तो ऐसा कोई मकसद नहीं है इनका वीडियो बनाने का, गलत मकसद नहीं है मतलब। तो मैंने बोला सर आपको प्रॉब्लम क्या हुई, मतलब आपको कैसे पता चला कि भाई हमें सब पता रहता है कि कौन वीडियो बना रहा है और क्या हो रहा है, कि वीडियो बनाना गलत नहीं है लेकिन पर्पज़ क्या है ये हमें चेक करना था कि किस पर्पज़ से तुम वीडियो बना रहे हो और क्यों बना रहे हो। तो मैं तो एक बार को यार डर ही गया था पूरी तरीके से, मैंने कहा यार पता नहीं क्या बात है, और खैर चलो उन्होंने छोड़ दिया, अच्छे भैया थे, बहुत ही बढ़िया थे, पुलिस वाले कोऑपरेटिव थे, तो चलिए कोई नहीं ऐसा भी होता है दोस्तों, देख लो आपके लिए वीडियो लेके आता रहता हूँ और इस तरीके के झेलने पड़ते हैं। देखो पुलिस वालों ने पकड़ लिया अभी, और देखिए दोस्तों ये बन रहा है लेफ्ट साइड में बाईपास पानीपत का, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है दोस्तों ये पानीपत का बाईपास और ये जाएगा सिवा गांव तक, पानीपत में पड़ता है, पानीपत के आसपास ही है गांव, मैंने देखा तो नहीं है दोस्तों, लेकिन सिवा गांव से स्टार्ट होगा ये हाईवे, नेशनल हाईवे 709 AD और कैराना सामली मुजफ्फरनगर बिजनौर होते हुए जाएगा खटीमा तक दोस्तों, उत्तराखंड के खटीमा तक। तो देखो पिलर वगैरह का काम फिट हो चुका है बन के पूरी तरीके से, और ऊपर बीम वगैरह भी डल चुके हैं, तो देखो मिट्टी का काम चल रहा है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप मिट्टी, मतलब जो मिट्टी का भराव होता है वो चल रहा है, और उसकी वजह से देखो रोड भी पूरा ख़राब हो चुका है। तो ये देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोस्तों लेफ्ट साइड में, ये देखिए यहाँ पे भी काम चल रहा है बाईपास का, तो ये बहुत लंबा बाईपास निकलने वाला है दोस्तों पानीपत में, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा होने वाला है, सिवा गांव से स्टार्ट होगा पानीपत से, वो लगभग 7 किलोमीटर आगे हैं इतना मुझे पता है, क्योंकि एक बोर्ड पे मैंने पहली बार लिखा हुआ देखा था, पहले जब मैं पानीपत में आया था दोस्तों, वो वीडियो आपने देखी भी होगी, तो एक बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ देखा था उस गांव का नाम, तभी मुझे पता भी चला कि सिवा गांव से ये स्टार्ट हो रहा है बाईपास, और वहाँ से ये पानीपत में यहाँ पे निकलेगा दोस्तों ब्रिज के पास पूरा, मतलब ये यमुना नदी के ब्रिज के पास ही निकलेगा दोस्तों ये फ्लाईओवर, और वहाँ से फिर ये पूरा बाईपास हो जाएगा दोस्तों पानीपत, और जितने भी यहाँ पे गांव भी पड़ता है सोनाली करके गांव है। तो देखिए वो भाई साहब कितनी धूल मिट्टी आप देख सकते हैं दोस्तों, बाप रे भाई, बाइक वाला को तो बहुत बुरा हाल हो जाता होगा यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे ना दोस्तों, ये क्योंकि भराव का काम चल रहा है मिट्टी के, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है, देखा आपने पूरा धुआं धुआं हो गया है, तो देख सकते हैं आप दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त काम चल रहा है बहुत ही तेज़ी से, और पूरा धुआं धुआं हो गया है यहाँ पे, पूरा धूल मिट्टी इतनी उड़ रही है ना यहाँ पे बहुत ही भयंकर वाली। तो देखिए दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखा दोस्तों आपने कैराना से मैं कैसे आया, बीच में पुलिस ने भी पकड़ लिया मुझे, खैर चलो पुलिस वालों ने छोड़ दिया, अच्छे लोग थे, अच्छे एक ही था सिपाही, बाइक से आया मुझे साइड में हाथ दिया, वो आगे नहीं आया, कमाल की बात ये है कि वो आगे नहीं आया, क्योंकि उनको पता था कि कैमरा लगा हुआ है, तो उन्होंने ना साइड से ही हाथ दिया मुझे कि गाड़ी रोको, तो मैंने साइड में लगा गाड़ी रोकी, और फिर तो वो मेरे आगे आए, तो उन्होंने वो कट भी करवा दिया, जो जितना वो वीडियो में आया था ना सीन, तो वो पूरा कट करवा दिया देखने के बाद कि भाई इसको कट करो क्योंकि मैंने तुम्हें रोका है ये वो सो, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। खैर लेकिन ये देखिए यहाँ पे भी पिलर वगैरह का काम फिट हो चुका है, और तो बहुत तेज़ी से काम चल रहा है दोस्तों इस पर ना, बहुत ही तेज़ी से। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा भी हो जाता है वीडियो बनाते हुए ना पुलिस देख ले, तो पुलिस ने पकड़ लिया देखो। खैर चलो उनको मैंने बता दिया कि भाई यूट्यूब में मैं अपडेट देता रहता हूँ, हाईवे बन रहा है इसकी, तो मेरा चैनल भी आप देख सकते हैं। उन्होंने फिर अपने ही मोबाइल में यूट्यूब पे सर्च मारा मेरा चैनल, उन्होंने देखा, और कमाल की बात यह सब्सक्राइब भी किया भाई मेरे चैनल को, तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।